और ये डाली टहल ने बॉल और स्टोव ने भी आगे बढ़कर बल्ला घुमा दिया है और ये लगा छक्का और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 211 रन। रन तो बना लिए, बस अब जडेजा का ध्यान रखना है वरना पिछले मैच की तरह इस बार भी बस कोच साहब बस वो जडेजा आएगा तो डब्बे में गोल पिज्जा की तरह, पर मैं भी उसको स्लाइस करके ना खा गया तो मेरा नाम भी चीनी का पराठा नहीं। भाइयों और बहनों, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिंच भाई ने ले लिया है पेट खराब होने की वजह से संन्यास, तो आज से तुम्हारा बाप और कप्तान दोनों मैं हूँ। तो चलते हैं ग्राउंड में खेलो। पिंच भाई आ गए। हम जरा हगने क्या गए, तुम हरामी बाहर से कुंडी लगा दिए। पर भाई आपका तो पेट खराब था। हाँ मेरा पेट खराब है पर तेरी तो नीयत खराब है हरामजादे, मेरी कप्तानी छीनना चाह रहा था। अब पेन लिया है मैंने हगीज, अब आए सुसुया पॉटी, फिर भी फोड़ूंगा इन सब की गोटी। इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की दूसरी इनिंग होने वाली है स्टार्ट। कोहली अपनी आखिरी उम्मीद जडेजा के साथ आए हैं बैटिंग करने के लिए। और अब कोहली सर जडेजा को बताते हुए कि सेंचुरी मारने के बाद कौन सी गाली निकालनी होती है। सर बस अब आप ही हो जो भी हो, आज का मैच अगर हारे तो घर जाके दादा ने कुत्ते की तरह पहलना है, बस ये मैच जितवा दो कैसे भी करके क्योंकि अभी मुझे आगे भी खेलना है। अरे गोली भाई, मोदी जी की बात पर और किसानों के हालात पर कभी शक नहीं करते, अच्छे दिन आज नहीं तो 40-50 साल में आ ही जाएंगे। और बात रही मैच की तो अब आप देखो कैसे मैंने इन गोरों को घोड़ी बना के दौड़ाना है। और कोहली के बाद अब यहाँ पे अपने डैपर के साथ पिंच देते हुए अपने सबसे घातक बॉलर जोश 1.5 फुट को बॉल डालने के लिए पहला ओवर और साथ में देते हुए मुफ्त का ज्ञान। जोश 1.5 फुट नाम है तेरा, इस सर जडेजा का सर फोड़ना है तुझे वरना तुझ जैसे बॉलरों की दुकान तोड़ना काम है मेरा, समझ आ गया ना? हाँ भाई हाँ सब समझ गया। पिंच की बदबूदार धमकी सुनने के बाद भाग कर आ रहे हैं जोश 1.5 फुट बॉल डालने और ये डाली 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। और सर जडेजा ने अपनी हरामीगिरी की नुमाइश करते हुए बॉल को सिर्फ पीछे की तरफ टच किया, ये लगा छक्का। पिछली बार वाला ज्ञान फेल होने के बाद फिर से पिंच आ गए हैं जोश के कान में बिन बिनाने। कैसी बॉल डाल रहा है भाई, आप ही ने तो बोला था मुंह फोड़ साले को। तो बाउंसर से थोड़ी फूटेगा, अब एक काम कर इसे यॉर्कर मार के इसकी टांग तोड़ के लंगड़ा कर दे इसे। ठीक है भाई अब आप देखो। जोश फिर से आ गए कुत्ते की तरह भागते हुए बॉल डालने और ये डाली 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर। और सर जड़े जड़े आगे बढ़ के घुमा दिया है बल्ला और ये लगा एक और छक्का। पिछली दो बॉल पर लगातार दो छक्के सुटवाने के बाद जोश ने खो दिए है होश, अब देखना होगा कि क्या अपनी कुंडली से निकाल पाएंगे वो जडेजा के नाम का दोष। और अपनी गंदी से शक्ल लेकर फिर से आ गए हैं पिंच। अबे यार इसको ऐसे चुप, बिल्कुल चुप। और अब एक शब्द और बोला तो तेरा डायपर तेरे मुंह में ठूस देना है मैंने। oh, no. और इतना मारूंगा कि तेरी अगली 7 पुश्ते भी बिना पिछवाड़े के पैदा होगी। चुपचाप जाके अपनी जगह पे खड़ा हो जा। इसको तो अब मैं बताता हूँ कि टाइगर बिस्किट खा लेने से कुत्ता टाइगर नहीं बन जाता। जोश बुलबुलाते हुए भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने के लिए और ये क्या, ये तो इन्होंने एक साथ डाल दी है दो दो बॉल। ओह नो, एक बॉल लगी है जडेजा के पैर में और दूसरी बॉल लगी है सीधा उनके फीट पे और ये विकेट तोड़ते हुए ढेर और ये जडेजा आउट होते हुए और ये पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को लगते हुए खुशियों के दस्त। ओ गैस के गुब्बारो, इतना खुश मत हो, अभी तो तुम्हें और पे लेंगे। oh, no. और फिर तुम्हारी कैके ले लेंगे क्योंकि अब आ रहा है बैटिंग पर डांडिया। जडेजा की ठुकाई के बाद अब आ गए हैं डांडिया बैटिंग पे और अब हम पहुंच चुके हैं मैच की आखिरी बॉल पे। यहां से भारत को चाहिए एक बॉल पे 4 रन और डांडिया अपने गुरु नशाराम को याद करते हुए। अब देखना होगा कि इनके बाबा जो खुद को नहीं बचा पाए क्या वो डांडिया को बचा पाएंगे या नहीं, जानने के लिए आगे देखें बैठ के चुपचाप। इसी के साथ जोश फुल जोश में आ रहे हैं भाग कर बॉल डालने
और ये डाली जोश ने बॉल, डांडे ने भी बल्ला घुमा दिया है, बॉल जाती हुई हवा में। ओह नो, और ये क्या, ये तो नीचे डायपर पहने खड़े है पिच बॉल पकड़ने के लिए। यहाँ से भारत की हार साफ साफ दिखाई देती हुई। ओए पदोड़े, अपना डायपर संभाल, तेरा पोस्ट ऑफिस दिख गया। और यहाँ पिच का डायपर नीचे आता हुआ, या तो वो अपनी FD बचा ले या तो फिर मैच को बचा ले, और बहुत समझदारी के साथ पिच ने बचा ली है अपनी FD। बॉल लगी है उनके मुंह पे और कहीं है बाउंड्री के पार। इस बार नहीं चाहिए अपने को कोई और सरकार। इसी के साथ भारत ने जीत लिया है ये मैच। काश उस दिन थोड़ा कम खा लिया होता यार।